लखनऊ के मुख्य इलाके में लगा भयानक जाम। खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां मुख्य इलाके में लगा भयानक जाम। पुराने हाईकोर्ट से लेकर शहीद पथ तक हर रास्ते पर जाम। आधी अधूरी तैयारियों के बीच किया गया परेड रिहर्सल। खबर लखनऊ से है जहां आधी अधूरी तैयारियों के बीच परेड रिहर्सल के लिए लखनऊ पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तक नहीं सुझाई। लखनऊ पुलिस की लापरवाही से भीषण जाम लगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लखनऊ पुलिस बेपरवाह दिखी। बड़ी खबर लखनऊ से है जहां भीषण जाम की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। पिछले कमिश्नर जाम के चक्कर में ही हटे थे। लखनऊ के मुख्य इलाके में लगा भयानक जाम। पुराने हाईकोर्ट से लेकर शहीद पथ तक हर रास्ते पर जाम। आधी अधूरी तैयारियों के बीच किया गया परेड रिहर्सल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगे। सुहानी, देखा जाए गणतंत्र दिवस की तैयारियां लखनऊ में की जा रही हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी नंदिनी, आपको बता दें कि 26 जनवरी अब दो दिन, आज 24 हो गया और दो दिन बाकी है और उसको लेकर परेड रिहर्सल किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यातायात जो नियम है हमेशा बिगड़ा हुआ दिखता हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार इस पर कई अभियान चलाए, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यातायात का जो नियम है उसमें सुधार किया जाए। वो कई बैठकें करते हैं, इस पर कई अभियान चलाते हैं, लेकिन आज साफ तौर पर यही दिख रहा है कि 26 जनवरी के जो परेड रिहर्सल हुए आधे अधूरे तैयारियों को बीच में किया गया है। आपको बता दें कि पुराने हाईकोर्ट से लेकर जो शहीद पथ का पूरी भीषण जाम हुई है और इससे आम जनमानस को भी इसमें खतरा हो सकता है, उनको भी कई उनको दिक्कतें आ सकती है। तो इन सभी को देखते हुए भी जो यहाँ के जो पुलिस हैं उस पर कोई, जो यातायात के जो पुलिस है उस पर कोई नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना पूरी तरह से उनकी लापरवाही दिख रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में ऐसी 10 सड़कें हैं जहाँ पे पूरी तरह से हमेशा जाम लगी रहती है और इसी जाम की वजह से योगी सरकार ने एक नियम भी अपनाया था, ITMS के कैमरे पर नजर रखी जाती थी और उस कैमरे की जो भी रिपोर्ट होता था उसे यातायात पुलिस को सौंपी जाती थी और उस आधार पे अब उसे एक बायोग्राफ तैयार करके और यातायात पुलिस को दिया जाता था और उसी के अनुसार वहाँ का ट्रैफिक नियम बनाया जाता। लेकिन ऐसा देखते हुए कुछ नहीं देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ की लखनऊ पुलिस को पता है कि 26 जनवरी आने वाली है और भीड़ भी लग सकती है और यातायात के नियम को सुधार किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि योगी सरकार के चेतावनी देने के बाद, साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार 30 नवंबर 2022 को लास्ट उनको आदेश दिए थे कि अगर लखनऊ के यातायात का नियम नहीं सुधरा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तब भी यहाँ के जो यातायात पुलिस हैं उस पर उनकी साफ तौर पर लापरवाही दिख रही है, कोई सुधार का नहीं दिख रहा है। सुहानी, देखा जाए तो 25 जनवरी यानी कल भी परेड किया जाएगा, परेड की रिहर्सल की जाएगी, तो क्या कुछ रूट डाइवर्जन का प्लान किया गया है? जी मयूरी, आपको नंदिनी आपको बता दें कि हर तरफ सिर्फ भीड़ हो रही है और इसे लेकर जो योगी सरकार ने कई ऐसे नियम चलाए, कई ऐसे अभियान चलाए और उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के जो 10 सड़कें हैं उस पर भी कई ऐसे नियम लगाया गया कि यहाँ के जो यातायात के नियम है उसे सुधार किया जाए, उस पर अभियान चलाया जाए, लेकिन यहाँ के यातायात के जो पुलिस हैं या ये कहिए कि यातायात के जो विभाग हैं वो इस पर लापरवाही बरत रहे हैं। वो योगी सरकार के ये भी कहा जा सकता है कि योगी सरकार के जो उन्होंने नियम लागू किया है उस पे कार्य नहीं कर रहे हैं और वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें 2 या 3 बार योगी सरकार ने जीवन दान दे दिए। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो हादसे हो रहे हैं, सड़क दुर्घटना में जो मर रहे हैं, जो अवैध बस स्टैंड चल रहा है, अवैध जो अपनी दुकानें लगा रही है उनको हटाकर उनके अलग स्थान दिया जाए, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। खबर लखनऊ से है जहां PWD विभाग की गड़बड़ी मिलने पर सरकार हुई सख्त। सीएम योगी खुद कर रहे निर्माण के कामों की समीक्षा। खबर लखनऊ से है, आपको बता दें देरी के मामले की अनदेखी पर एक्सेन होंगे सस्पेंड।
शासन ने मुख्यालय को भेजे गए पत्र में जाहिर की नाराजगी। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही पर सीएम हुए सख्त, टेंडर में हुई गड़बड़ी तो अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सड़क निर्माण में देरी होने पर ब्लैक लिस्ट होंगे ठेकेदार। शासन ने टेंडर नोटिस अखबारों में प्रकाशित कराने के दिए निर्देश। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी मिलने पर सरकार हुई सख्त, सीएम योगी खुद कर रहे निर्माण कामों के समक्ष समीक्षा। देरी के मामलों की अनदेखी पर एक्सेंट होंगे सस्पेंड। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को लेकर सीएम हुए सख्त, शासन ने मुख्यालय को भेजे गए पत्र में जाहिर की नाराजगी। टेंडर में हुई गड़बड़ी तो अफसरों पर होगी बड़ी कार्रवाई। खबर लखनऊ से है, सड़क निर्माण में देरी होने पर ब्लैक लिस्ट होंगे ठेकेदार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही को लेकर सीएम बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं खामियों का अंबार लगा था, उसको देखते हुए शासन ने एक रिपोर्ट तलब किया है और विभागाध्यक्ष को, लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है कि जो भी कामों में गड़बड़ियां या खामियां आ रही है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समीक्षा बैठक भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। जिस तरीके से सड़कों की बदहाल स्थिति रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लेट लड़ती है सड़क को बनाने में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शासन ने नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए पत्र भेजकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष को ये लिख करके दिया गया है कि इसकी जो है पूरी तरीके से जांच करें, अगर आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से जो रोड अभी 15 नवंबर तक का एक आदेश दिया गया था कि हर जितने भी गड्ढा रोडे हैं, जितने गड्ढा युक्त रोडे हैं उनको गड्ढा कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको लेकर के भी सघन अभ्यास चलाया गया था। फिलहाल अभी जो देरी हो रही है उस देरी को लेकर के कहीं ना कहीं शासन ने नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिए। जी रितेश, बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही मिलेगी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा, और क्या कुछ इस तरह की तैयारी और कार्रवाई की जा सकती है? देखिए नंदी, साफ तौर पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कहीं भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं। जिस तरीके से ये लापरवाही चल रही है उसको लेकर के उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से समीक्षा करके इस चीज को कह दिया है। उनके शासन से रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है कि यदि काम में लापरवाही की गई तो जो संबंधित ठेकेदार होगा उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, यानी उसे आगे का कार्य कार से मुक्त कर दिया जाएगा, काम करने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ी चीज, अभी करीब 40 लाख रुपए के आसपास का ये घोटाला था, उसके बाद सब मामला सामने आया, टेंडर प्रक्रिया में भी कई मामले सामने आए जिसको लेकर के अब ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो छोटे अखबारों में पहले ये बजट पेश कराया जाता था कि जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसको सभी अखबारों में देना चाहिए, तो सरकार ने भी सख्त रूप लगा दिया है कि छोटे अखबारों में जिनका जो अभी कम जगहों पर पहुंच पाते अखबार उसमें ही इनको बजट दिया जाता है। ऐसा नहीं करना होगा, बल्कि इनको बड़े अखबारों में भी देना होगा, जो जन जन तक पहुंचता है उनको भी उसके बारे में नॉलेज रहे और पता रहे कि अखबार में इस तरह की गजट निकल रही है, इस तरह का टेंडर प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब जो भी टेंडर प्रक्रिया होगी वो जनता के सामने होगी, लोगों के सामने होगा। चोरी छिपके से कोई काम अगर किया गया तो जो भ्रष्टाचार निवारण संगठन है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और संबंधित अधिकारी अभियंता के ऊपर भी कार्रवाई करने के पूरे निर्देश जारी किए गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखनऊ में भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए बनाया डेटा प्लान। भाजपा चुनाव में डाटा को बनाएगी अपना हथियार। बीजेपी ने हर जिले को डाटा फिट करने का लक्ष्य दिया। 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल तरीके से सक्रिय, कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फिट करने का लक्ष्य दिया गया। चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी बीजेपी ने। हर जिले में डाटा एकत्रित करने के लिए अलग टीम बनी। प्रदेश कार्यालय में 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की हुई बैठक। डाटा संकलन का काम 28 फरवरी तक किया जाएगा पूरा।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल भी चुनाव के लिए एकदम सक्रिय हो चुके, अब वो डाटा प्लान की तैयारी कर रही है। देखो नंदनी, यहाँ पर चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अभी आपने देखा 9 राज्यों में इस साल चुनाव है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव भी होने हैं जो कि अप्रैल या मई में हो सकते हैं। ओबीसी आरक्षण का जो एक लिस्ट आनी है, उसका जो सर्वे होना है, उसके बाद निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगभग जो चुनाव की बात करें, आम चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, तो उसके लिए भी बीजेपी लगातार सक्रिय है। और कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को यही पता है कि अगर वास्तव में केंद्र में सरकार बनानी है या केंद्र में सबसे ऊंची कुर्सी पानी है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में हम बेहतर तरह रणनीति रखेंगे तो उसका लाभ भी हमको मिलेगा। इसके तहत बीजेपी, जो कि अगर बात करें सरसता के मामले में, बात करें सरसों के बारे में बात करें, तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार मेहनत कर रही है, उसके लिए उन्होंने एक अलग तरह की रणनीति बनाई। हालांकि इसके पहले तमाम तरह के प्लान वो बनाते रहते हैं, पन्ना प्रमुख की भूमिका रहती है, जो वोटर लिस्ट होती है उसका पर्चा होता है, पन्ना प्रमुख की भूमिका रहती है। इसके अलावा जो इस बार जो नई रणनीति लेके आया है, उन्होंने एक जिले में 1,00,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उनका डाटा यहाँ पर एकत्र करेगी, हर जिले में 1,00,000 लोगों का जो डाटा है वो बीजेपी फीड करेगी। अभी हाल में बीजेपी के 6 क्षेत्रीय प्राधिकारियों की बैठक हुई थी, और बैठक के बाद यही निर्णय लिया गया कि 28 फरवरी तक हमको प्रत्येक जिले में 1,00,000 लोगों को जोड़ना है, उनका डाटा फीड करना है, उनका लक्ष्य रखना है कि वो बीजेपी से जुड़े रहें। अगर 1,00,000 लोग जुड़े रहे, निश्चित रूप से बीजेपी के आने वाले समय में जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। हमेशा चुनावी मोड में रहती है और समय समय पर उनके संगठन में बदलाव के साथ साथ तमाम की रणनीति बनती रहती है। नंदिनी जी, बताया जा रहा है कि 1,00,000 लोगों को जिले में 1,00,000 लोगों को लिए जोड़ा जाएगा और 6 पदाधिकारियों की बैठक हुई है। डाटा प्लान के लिए और क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, अभी फिलहाल ये जानकारी दी गई है, 28 फरवरी तक आपकी इसका लक्ष्य रखा गया है, प्रत्येक जिले में 1,00,000 लोगों को जोड़ना है। अगर हम जिलों की बात करें, 75 जिले, उत्तर प्रदेश 75 लाख लोगों को बीजेपी जोड़ने का लक्ष्य रखी है। और उन लोगों को जोड़ने के साथ उनका डाटा ही फीड किया जाएगा। हो सकता है उन डाटा के माध्यम से बीजेपी अपनी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाना, अपने कार्यकाल की खूबे बताना, ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमने देखा इसके पहले भी जो तमाम तरह की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होती हैं या मोबाइल पर मैसेज आते हैं सरकारी गतिविधियों के बारे में, सरकार की जो योजना है उसके बारे में, तो इसके जो मैसेजेस हैं उसके माध्यम से भी लोगों का डाटा फीड किया जाएगा और मैसेज उनको दिया बताया भी जाएगा, जो योजनाएं चल रही हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक जिले में 1,00,000 लोग बीजेपी की नीति को समझे और समझ पाए, साथ साथ काम भी हो और जनता को उसका लाभ भी मिले, और आने वाले समय में बीजेपी का चुनाव एजेंडा है 24 के चुनाव को लेकर या निकाय चुनाव को लेकर, उस पर पूरी तरह से बीजेपी हावी हो सके और विपक्ष को यहाँ पर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में पगड़ी लेने गई महिला के साथ बनाए संबंध बनाने का दबाव। बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही, महिला के मना करने पर बंधक बनाकर पीटा महिला को। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, महिला ने 100 नंबर डालकर बुलाया पुलिस को। कई दिन बाद पुलिस ने किया मामले में FIR दर्ज। पीड़िता ने किया आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी के 100 मोबाइल फोन्स के बरामद किए गए फोन को मालिकों को सौंपा गया। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। SSP SPCT ने मालिकों को सौंपा मोबाइल फोन। मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां मोबाइल फोन्स को बरामद कर लिया गया है। 14-15 लाख रुपए बताई जा रही बरामद फोन्स की कीमत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस